हमारे नियर संतोषी माता मंदिर है, गाजियाबाद में ये सिर्फ एक ही मंदिर है जो ये हमारी माता रानी, अगर जो इनके 16 शुक्रवार व्रत रखता है गारंटी लेके कह सकता हूँ उसके लड़का ही होगा, इस बात का मैं दावा ले सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये जो हमारी माता नियर विष्णु भगवान लक्ष्मी माता, ये हमारा मंदिर है, कितना महान मंदिर है, अगर हम यहाँ पे कुछ भी मांगते कुछ भी वो सब पूरा होता है। और हम 12वीं क्लास में, तो मैंने बोला था माता मुझे 12वीं क्लास में पास कर दो, कपड़े बनवा के हम तुम्हें पहनवाएंगे, तो मैं 12वीं क्लास में पास भी हो गया। सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए मैं छोटे से देख रहा हूँ इस मंदिर में कुछ इतने अच्छे अच्छे चमत्कार हो रहे हैं जो कभी रियल में मैंने किसी मंदिरों में देखा ही नहीं होगा। और यहाँ मेरी हंसी होगी, इतनी औरत कहेंगी का जे पोता नहीं है सो इसलिए जिका है रो रही है यहाँ पे आके, कह रही चल ठीक है कोई बात नहीं है, मैं बता के जाती हूँ। अब के कहा है तुम्हारे पोता आएगा 9 महीना पीछे और मैं नहीं दूंगी, संतोषी माँ देगी। तो मेरा हर उसी दिन है 9 महीना पीछे पोता होगा मेरा, उसी 9 के कन्या जमा के उसी दिन माता रानी ने पोता दिया मेरा। मंदिर में सुबह से हम 5 बजे खोल देते हैं, इसकी पूरे की साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद में आरती करते हैं, जिनकी सभी देवी देवताओं की आरती होती है, पहले संतोषी माता की होती है, फिर विष्णु भगवान की होती है, भोलेनाथ की होती है, हनुमान जी की होती है, उनकी सबकी आरती करता हूँ मैं, खुद करता हूँ आरती से लेकर सुबह, तो मैं ही उठता हूँ सुबह, मैं ही आता हूँ मंदिर में, नहीं मंदिर में मैं ही खोलता हूँ इसमें। और शाम को भी आरती, शाम के टाइम में पंडित जी आ जाते हैं, अगर नहीं आते तो भी फिर मैं कर देता हूँ। हाँ, शुक्रवार को इसमें क्या नाम है, महिलाएँ व्रत रखती हैं और अपना इसकी पूजा पाठ भी करती हैं, जो उनकी इच्छाएँ होती हैं पूरी हो करती है माता। मतलब जो भी मांगते ना माता से वो इच्छा पूरी करती है माता रानी। ये बताइए महिलाओं का कितना हुजूम यहाँ संतोषी माता के दर्शन के लिए देखा जाता है, क्योंकि माता से संतान प्राप्ति के लिए भी हाँ बोलते हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। मतलब जो भी मांगते माता वो ही देती है, हमने तो ये देखा चमत्कार माता का, यहाँ मैं सेवा करती हूँ माता की। आप कितना समय इस मंदिर में देती है, क्या क्या सेवाएं आप करती है, उस बारे में बताइए। मैं तो सारा कुछ है, मतलब मैं ही करती हूँ जो भी है यहाँ, सेवा, कपड़े चेंज करने, शुक्रवार को भी देखना। संतोषी माता की शुक्रवार को किस तरीके से आप लोग पूजा आराधना कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर भीड़ देखी जाती है शुक्रवार को? काफी वे आते हैं मतलब भक्त यहाँ।